जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से 80 के दशक की रामायण प्रसारित हो रही है। ऐसे में आपका दिल जरूर जीत रहे होंगे हनुमान जी के किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी, यानी कि जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया, इतने बखूबी से निभाया है कि लोग उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे 80 के दशक में भी और आज 2020 में भी, कि किस प्रकार से उन्होंने इतनी बखूबी से हनुमान जी का किरदार निभाया था कि मानो वे रियल के हनुमान जी हैं। क्योंकि जब 80 के दशक में रामायण प्रसारित हुई थी, तब से लोगों ने उनकी तस्वीर हनुमान जी के रूप में पूजना शुरू कर दिया था, यानी उनकी तस्वीर को हनुमान जी के रूप में पूजा जाता था। क्योंकि हनुमान जी के असली चेहरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि उनके चेहरा असली क्या था, तो ऐसे में दारा सिंह जी के जो हनुमान जी का किरदार निभाया था, उनको ही असली भगवान हनुमान जी मानने लग गए थे लोग। और इतनी आस्था थी उनके प्रति कि जब जब वह सामने आते थे तो उनके पाँव छूते थे लोग ये सोच के कि हमारे सामने हनुमान जी आ गए। ऐसे ही कुछ बड़े किस्से हनुमान जी के हमारे सामने आ रहे हैं। किस प्रकार से जब रामायण की शूटिंग हो रही थी तो हनुमान जी ने एक काम ऐसा करा था जिससे उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था, और ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है इंटरनेट पे। आपको बता दें, वैसे आज के दिनों में हमारे बीच दारा सिंह जी, जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था, वह मौजूद ना हो, लेकिन उनके पुत्र बिंदु दारा सिंह कुछ ऐसी कहानियाँ हम सबको बता रही हैं जो कि हनुमान जी से काफ़ी मेल खाती है, और साथ ही साथ ये बताती है कि दारा सिंह जी कितने भले इंसान थे। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ों का सेवन करते थे जिससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता था, जिसमें अगर सबसे ऊपरी क्रम पर देखा जाए तो आता था नॉनवेज। जी हाँ दोस्तों, नॉनवेज खा के वह अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखते थे, जहाँ पर चिकन, मांस, अंडा, ये सब चीज़ों का सेवन करते थे। लेकिन जब बात आती है आस्था की, तो ऐसे में जब हनुमान जी का किरदार निभाना था तो उन्होंने रामायण की शूटिंग के दौरान चिकन को हाथ तक नहीं लगाया था, यानी कि नॉनवेज को दुत्कार दिया था, उनको छोड़ दिया था नॉनवेज को खाना। यह चीज़ साबित करती है किस प्रकार से लोगों के दिलों में इतनी आस्था है भगवान हनुमान जी के प्रति कि जब जब संकट मोचन हनुमान जी को याद किया जाए तो संकट में हनुमान जी आते हैं और हम सबकी मदद करते हैं। ऐसे में दारा सिंह जी ने भी यह बड़ा कदम उठाया कि वह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने मांस मच्छी जैसी चीज़ों को खाना छोड़ दिया था, सिर्फ हनुमान जी का किरदार निभाते वक्त में। ये बात साबित करती है कितने सच्चे दिल के इंसान रहे होंगे दारा सिंह जी। वह भले से हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने अपने ज़माने में जो चीज़ें की हैं, वह हम सब के लिए एक यादें बनाए रखे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया और राम जी के साथ कदम से कदम मिला के चले, उनके हर कदम पर साथ दिया, ये काफ़ी सराहनीय है। जहाँ पर रामायण हर जगह इनका काफ़ी वर्णन किया गया है। हमारा भी हनुमान जी को तहे दिल से नमस्कार। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए धन्यवाद दोस्तों।